नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मॉल टाउन ट्रेवलर पर। हम आपको काफ़ी समय पूर्व रतलाम के पास बनाए जा रहे बहुउद्देशीय बाईपास लाइन के बारे में अवगत करा चुके हैं। इसी के बारे में ताज़ा जानकारी अभी सामने आई है। रेलवे ने रतलाम खंडवा आमान परिवर्तन योजना जब 2006-07 में सेंक्शन हुई थी, उसी समय बाईपास लाइन का निर्माण कार्य पूर्व में मंजूर किया जा चुका था। पूर्व में इसका अलाइनमेंट नौगावां से डॉक्टर आर के नगर तक प्रस्तावित था, जो कि करीब 16.5 किलोमीटर लंबाई का था, तथा अब रेलवे ने तकनीकी दिक्कतें आने के बाद में इस अलाइनमेंट को बदलकर मोरवानी से नौगावां के बीच कर दिया गया है, जो कि धराड़ के पास से होकर गुजरना है, जिससे इसकी लंबाई बढ़कर करीब 31 किलोमीटर के आसपास हो गई है। इसका सर्वे कार्य पूरा हो चुका है एवं भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जाना है। इस बाईपास लाइन का फायदा भोपाल से उज्जैन फतेहाबाद के रास्ते व इंदौर से फतेहाबाद के रास्ते आने वाली मालगाड़ियां व यात्री ट्रेन, जिनको रतलाम में स्थान की कमी के चलते ठहराव नहीं दिया जा सकता है, उसको बड़ोदरा के करीब बने छायापुरी स्टेशन की तरह मोरवानी स्टेशन से थ्रू निकाला जा सकता है। रतलाम आए बगैर बड़ोदरा, अहमदाबाद, मुंबई के लिए भेजा जा सकता है। वहीं रेलवे के अधिकारियों के अनुसार इटावा माताजी धराड़ नौगावां के रास्ते जो नया बाईपास बनाया जाएगा वह मोरवानी तक बनाया जा रहा है। आने वाले समय में रतलाम डूंगरपुर लाइन भी मोरवानी स्टेशन के पास से ही कनेक्ट होना है। इससे मोरवानी के रास्ते ट्रेन को सीधे कोंकण रेलवे, मुंबई सेंट्रल के रास्ते दक्षिण भारत एवं विभिन्न पोर्ट तक भेजा जा सकता है। रेलवे ने सर्वे कार्य पूरा कर लिया है व जरूरी नक्शे व आने वाले व्यय की जानकारी भी परियोजना के डॉक्यूमेंट्स में दर्शाई गई है। करीब 50 करोड़ का खर्च रेल लाइन पर आ रहा है और भूमि अधिग्रहण का खर्च इसमें अतिरिक्त रहेगा। वहीं सिग्नल व इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी अलग से दर्शाया जाएगा। बाईपास लाइन को भूमि अधिग्रहण करने के बाद आगामी 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस योजना के पूरा होने से एक अतिरिक्त रेलवे स्टेशन की सौगात तो क्षेत्र को मिलेगी ही, साथ ही एक नया रेल मार्ग रतलाम मंडल को प्राप्त हो जाएगा। करीब 10-15 साल की मशक्कत और 3-4 बार से ज़्यादा सर्वे करने के बाद, कई बार जॉइंट पॉइंट का निरीक्षण करने के बाद इसका अब जाकर बाईपास का नक्शा फाइनल किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस परियोजना का कार्य धरातल पर उतरकर आ पाता है, यह आने वाले समय की बात है। आप सभी का धन्यवाद।